Hello students, welcome to lecture number 19 and today we are going to do the continuation of lecture number 18 that is of pseudo force. कुछ और example देखेंगे और pseudo force का concept और strong करने का कोशिश करते हैं but before starting I want to make sure that आपने lecture number 18 देखा है क्योंकि lecture number 19 completely उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन है ओके सो लेट अस स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 19 सूडो फोर्स का एग्जांपल एकदम ढासू वाला कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं लिफ्ट का अभी लिफ्ट के समय हम सूडो फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे कब लगाएंगे कैसे लगाएंगे एवरीथिंग विल सी ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस इज लिफ्ट तो ये लिफ्ट है ठीक है और ये एक ब्लॉक है लिफ्ट के अंदर ठीक है ये ब्लॉक है तो ये ब्लॉक का मास ले लेते हैं m ओके तो लिफ्ट है और लिफ्ट में क्या रखा है ब्लॉक रखा है ब्लॉक का मास हम ले लेते हैं m और ऐसा सोचो कि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड एंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज ए अभी मुझे फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन क्या फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन ओके ये मुझे फाइंड करना है तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने वाला हूं बाय एन ऑब्जर्वर विच इज ऑन ग्राउंड विच इज एट रेस्ट जो ऑब्जर्वर रेस्ट में उसके हिसाब से कैसे सम सॉल्व होगा एंड जो ऑब्जर्वर ऑलरेडी लिफ्ट के अंदर है उसके हिसाब से कैसे सॉल्व होगा तो दोनों के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे सो लेट अस कंसीडर द ऑब्जर्वर विच इज एट रेस्ट उसको क्या लग रहा है चलो स्टार्ट करें तो जो ऑब्जर्वर रेस्ट में उसको क्या लग रहा है देखते हैं जब ऑब्जर्वर रेस्ट में वो देख रहा है कि बॉस इसका वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और सरफेस से उसको क्या मिल रहा है नॉर्मल ऊपर की तरफ वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड नॉर्मल इज एक्टिंग अपवर्ड मोशन कहां पे हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है तो जब हम लगाएंगे एफबीडी में तो एन माइनस एम जी है ना एन बड़ा है एम जी छोटा है बिकॉज मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन तो एन की वैल्यू क्या आएगी एम जी प्लस एम ए देयरफॉर एन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए ठीक है तो ये आंसर हमें मिला किसके हिसाब से फॉर अ पर्सन हु इज ऑन ग्राउंड ओके अभी सोचो सेकेंड मेथड हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इफ आई एम सॉल्विंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर जो ऑलरेडी लिफ्ट के अंदर जाके बैठा है तो ये ऑब्जर्वर ऑलरेडी लिफ्ट के अंदर बैठा है बराबर है अभी इसको क्या दिख रहा है इस बंदे को क्या दिख रहा है हाँ वेट उसको दिख रहा है डाउनवर्ड रियल फोर्सेस तो उसको सेम ही दिखेंगे रियल फोर्स ऑब्जर्वर के हिसाब से चेंज नहीं होते बराबर कि नहीं आप लिफ्ट के बाहर हो लिफ्ट के अंदर हो वेट तो वेट ही रहेगा नॉर्मल भी एक रियल फोर्स है ओके विच इज एक्टिंग अपवर्ड ये तो दिख ही रहा है बट अभी ये खुद ऊपर जा रहा है लिफ्ट के साथ मतलब ये बंदा जो है वो एक्सिलरेट हो रहा है बराबर कि नहीं ये बंदा कैसा था रेस्ट पे था तो ये बंदा जो है ये दिस बॉय इज एक्सिलरेटिंग एंड इफ बॉय इज एक्सिलरेटिंग और आप एक्सिलरेशन के हिसाब से अगर सॉल्व कर रहे हो तो यू हैव टू कंसीडर वन सूडो फोर्स क्या कंसीडर करना पड़ेगा एक सूडो फोर्स करना पड़ेगा कंसीडर आई कंसीडर इट वेयर जिस तरफ एक्सिलरेशन हो रहा है उस बॉय का उसके अपोजिट डायरेक्शन में समझ में आ रहा है ये वाला सूडो फोर्स है जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है और उसका फॉर्मूला क्या आएगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मास क्या एम एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर तो एम ए तो अभी मुझे बताओ यहां पे एन ओके ऊपर की तरफ है ओके और नीचे की तरफ क्या है एम जी और एम ए दोनों नीचे की तरफ है ओके
विच इज इक्वल टू नेक्स्ट, रेस्ट कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये बंदे के लिए तो लिफ्ट जीरो है ना, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जीरो, बिकॉज आप इसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हो। आप बाहर खड़े रह के देखोगे तो आपको लग रहा है कि हाँ ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, पर अगर आप लिफ्ट के अंदर हो तो उसके हिसाब से लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है जीरो। तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो देखो वी गॉट अ सेम आंसर, देयरफॉर एन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ठीक है, सो सेम आंसर मिला हमें। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व सम्स, नो दिस इज हाउ वी क्लियर सम। तो ये मैंने किससे सॉल्व किया, ग्राउंड से सॉल्व किया, और ये मैंने किससे सॉल्व किया, लिफ्ट में जाके सॉल्व किया बाय कंसिडरिंग सूडो फोर्स। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, बहुत बहुत मस्त सा में ये भी। एक ट्रॉली है और ट्रॉली एक्सेलरेट हो रही है, ट्रॉली के अंदर यू कैन सी एक पेंडुलम है। ओके, तो ऑब्जर्वर बी जो है जो ग्राउंड पे है, और ऑब्जर्वर ए जो है वो उस ट्रॉली के अंदर है, तो दोनों के हिसाब से हमें फाइंड करना है कि वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये वर्टिकल है और ये एंगल थीटा, तो मुझे इस थीटा फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, थीटा फाइंड करना है वर्टिकल के हिसाब से। तो चलो फर्स्ट मेथड लगाते हैं। फर्स्ट मेथड में वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम taking into consideration a person who is standing on ground, जो rest में है। तो ground के हिसाब से, rest के हिसाब से हम सबको solve करते हैं। FBD बनाने की कोशिश करते हैं, we'll try to solve FBD। okay, ये pendulum ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ये vertical है और ये theta है, बराबर है। तो अभी बच्चों इस पर force कैसे लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसका जो weight है वो नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज एम जी, इस तरफ लग रहा है टेंशन। ओके, और गारंटेडली एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है कि नहीं। अब मैं टेंशन को रिजॉल्व करता हूं दो कंपोनेंट में। देखो बच्चों, मैंने टेंशन को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, ये क्या हो गया थीटा, जिसके साथ थीटा वो होता है कॉस, जिसके साथ थीटा नहीं वो होता है साइन। ओके, तो अगर मैं वर्टिकल फोर्सेस को देखूंगा, वर्टिकल में क्या है, टी कॉस थीटा, ठीक है, जो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, और हॉरिजॉन्टल में क्या है, टी साइन थीटा, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों को डिवाइड कर देंगे, इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। टी कैंसिल, तो अल्टीमेटली मुझे टैन थीटा क्या मिला, ये मास भी कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिलेगा ए बाय जी। इजी, तो ऐसा सिंपल वे में मैंने सॉल्व किया बाय यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड। अभी सोचो जो बंदा इसको ट्रॉली में बैठ के देख रहा है। ओके, अभी जो बंदा ट्रॉली में बैठ के देख रहा है उसके लिए कैसे रहेगा देखते चलो। हाँ, तो ये वर्टिकल है और ये ऐसे बॉब यहाँ पे, ठीक है, और ये एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो ये बंदा देख रहा है वेट तो उसको नीचे की तरफ दिखेगा, येस और नो, है ना, वेट तो उसको नीचे की तरफ ही दिखने वाला है। टेंशन ऐसे दिखेगा, ओके, टेंशन इस तरफ दिखने वाला है, वेट नीचे की तरफ दिखने वाला है। व्हाट आई विल डू, आई विल रिजॉल्व टेंशन इनटू टू कंपोनेंट, है कि नहीं। अगर ये थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा बन जाएगा बच्चों, बराबर है। और अभी ये बंदा जो है उसको ये ट्रॉली रेस्ट में दिखेगी, क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ है ना, ये अंदर है तो उसके लिए ट्रॉली रेस्ट में, पर वो खुद एक्सेलरेट हो रहा है ट्रॉली के साथ। अगर ये बंदा ए जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है तो इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस बॉब पे, इस ऑब्जेक्ट पे हमें क्या लेना पड़ेगा, सूडो फोर्स लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सूडो फोर्स लेना पड़ेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ओके, अगर ये बंदा इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो सूडो फोर्स इस तरफ रहेगा, और उसका फॉर्मूला है मास ऑफ द बॉडी, दैट इज बॉब, और एक्सेलरेशन किसका आएगा, बंदे का आएगा। तो देखो यहाँ पे भी अगर आप, मैं वर्टिकल फोर्सेस के बारे में लिखता हूँ, इफ आई एम राइटिंग अबाउट वर्टिकल फोर्सेस, तो मुझे बताओ टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को, और टी साइन थीटा किसको, मास इनटू एक्सेलरेशन को। सेम कॉन्सेप्ट मिल रहा है हमने को, क्योंकि अभी और कोई इसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों,
तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एम जी, एम एम कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल। आई होप यू विल गेट द सेम आंसर। तो आप ग्राउंड के हिसाब से सॉल्व करो या फिर आप ट्रॉली में बैठ के एक्सीलरेटेड फ्रेम में सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। बट आप जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में बोलते हो तो एक फोर्स हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एंड दैट फोर्स इज सूडो फोर्स। ओके, सो आई होप सूडो फोर्स का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे, समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने लेक्चर नंबर 18 इसके प्रीवियस लेक्चर में बात किया वो चार पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो ईजिली सॉल्व होएगा। बट आई ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट ओके बाय यूजिंग अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड। सूडो फोर्स से हम बहुत कम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पर के ही सम्स हम सॉल्व कर पाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट,